आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका की वजन नहीं बढ़ रहा, बाजू पतली हुई पड़ी हैं, चेहरे पे नूर नहीं है, आंखें अंदर धंसी हुई हैं, शरीर जो है वो बिल्कुल दुबला पतला हुआ पड़ा है। ऐसे लोग जो हैं वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और उनके अंदर ताकत भी नहीं रहती। तो उसके लिए हमने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे वजन बढ़ेगा, क्या क्या खाना है और क्या क्या करना है, इसके बारे में आज का वीडियो रहेगा। सबसे पहला, आपने जब आपका वजन नहीं बढ़ रहा तो कुछ आपको ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, कुछ आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए ताकि हमें कारण पता लग जाए कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा वजन नहीं बढ़ रहा। उसमें एक तो आपको अपनी शुगर चेक करानी चाहिए, दूसरा जो है कंप्लीट ब्लड काउंट CBC बोलते हैं उसको टेस्ट कराओ, तीसरा ESR बोलते हैं, ब्लड का एक टेस्ट होता है वो, अगर आपका बड़ा हुआ है तो अगर ESR आपका ज्यादा आता है तो आपको एक एक्सरे भी कराना चाहिए। कई बार अंदर अंदर टीबी होती है जिसकी वजह से वजन नहीं बढ़ रहा होता लेकिन और कोई सिम्टम नहीं होता, बुखार नहीं आता, खांसी इतनी ज्यादा नहीं होती कि बंदा जो है वो अपना टेस्ट कराए। तो ESR अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आप फिर एक्सरे भी कराएंगे। फिर आपको एक अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड जैसे आपने सुना होगा, एक अगर T3 T4 बढ़ा हुआ है, मतलब कि एक तो होता है मोटे होने वाला थायराइड, एक होता है पतले होने वाला थायराइड, कई बार ये बीमारी की वजह से भी वजन नहीं बढ़ता। पहले आप ये टेस्ट करवाइए, टेस्ट अगर नॉर्मल आते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक कीड़ों वाले जो टैबलेट आती है एल्बेंडाजोल, वो आप एक टैबलेट खा लेंगे। 6 महीने में एक टैबलेट जरूर खानी चाहिए, कई बार पेट में कीड़े हों तो उसकी वजह से भी वजन नहीं बढ़ता। एक चीज का और नोटिस करेंगे कि अगर आपको पेट में गैस बनती है या आपको पेट बार बार खराब होता है तो हो सकता है पेट में इन्फेक्शन हो, उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाके आप एक बार इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर लें। क्योंकि जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपका पेट का जो पेट को जो पचाने की जो पाचन क्रिया है वो ठीक नहीं होगी, उस तब तक आपका वजन वैसे ही नहीं बढ़ेगा, कुछ भी खाया पिया नहीं लगेगा। अब हमें क्या करना है, पहले चीज का ध्यान रखना है कि आपने एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं वेट घटाने के लिए, लेकिन जिम जाने से असल में भूख बढ़ती है। अगर आपने नोटिस भी किया होगा, जिम जाके इसलिए वेट कम नहीं होता जो करना चाहते हैं, क्योंकि असल में उनकी भूख बढ़ती है, उनको बहुत ही ज्यादा विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ज्यादा खाना खाया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आप जिम जाना शुरू करिए, अगर आप जिम नहीं कर सकते, जिम में भी आपको कार्डियो ट्रेडमिल भागने वाली एक्सरसाइज कम करनी है, वेट लिफ्टिंग ज्यादा करनी है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं होता या हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आप जिम जाना आपके लिए संभव नहीं होता। तो दो एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूं, वो वाली एक्सरसाइज आपने एक दिन छोड़ के करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको उठक बैठक लगानी है, थोड़ा सा ऐसे उठ के धीरे धीरे बैठेंगे, धीरे धीरे उठेंगे, अपनी फीट को सीधा रखना है आपने स्क्वाट लगाते टाइम। ये जितनी बार आपसे लगे, 10 बार लगे, 15 बार लगे, 20 बार लगे, एक बार लगा के फिर आपने 1 मिनट का रेस्ट करना है, फिर आपने दोबारा से स्क्वाट्स लगानी है, फिर 1 मिनट का रेस्ट करना है, फिर आपने दोबारा, ये तीन आपने सेट लगा लेने हैं ये वाली एक्सरसाइज के। अब मैं एक्सरसाइजेस बताने के बाद ये भी बताऊंगा कि इसका कारण क्या है ये एक्सरसाइज करने का, और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले किसी ना किसी जो ऑलरेडी एक्सरसाइज करता हो, जिसको आती हो करनी, उससे आप जरूर सलाह कीजिएगा, कहीं गलत एक्सरसाइज करके चोटिल ना हो जाए। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो होती है पुशअप्स, जिसको दंड बैठक बोलते हैं। इसमें क्या करना है, अपने शोल्डर्स के साथ साथ अपने हाथ रख के ऐसे आपने पुशअप्स लगाने हैं। अगर आपकी शरीर में कम ताकत है तो घुटने नीचे लगा सकते हैं, घुटने नीचे लगाओ, इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ये वाली भी ऐसे ही आपने 3 सेट लगाने हैं, 10 लगे, 5 लगे, 6 लगे, शुरू में आपसे कम लगेंगे, बाद में ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे, बस करो। ये दोनों एक्सरसाइज किस लिए करनी है, उसका कारण ये है कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो मसल्स हैं वो टूटेंगे और दोबारा बनेंगे, दोबारा बनेंगे तो आपका वेट भी बढ़ेगा और आपका शरीर भी शक्तिशाली होगा। तो अब हम आएंगे खाने वाली चीज पे कि खाना क्या क्या है। बहुत ही इजी है वेट गेन करना अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आपने हर बार जब भी खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद यानी सुबह के खाने के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, आपने ऐसे एक या दो पीस बर्फी के पहले एक पीस से शुरू करेंगे, फिर 2 पीस खाने शुरू कर देंगे जब आपको पचने लग जाए। एक पीस आप लंच के, मतलब कोई भी दूध से बना हुआ आप मिठाई खा सकते हैं, लंच के बाद 1 या 2 पीस लेने हैं, डिनर के बाद 1-2 पीस लेने हैं, और
अपना ब्रेकफास्ट के बाद भी, और या आप ये हमारे पास दूध से बनी हुई कोई मिठाई अवेलेबल ना हो तो हम बेसन के लड्डू भी खा सकते हैं। एक या दो लड्डू आप ब्रेकफास्ट के बाद खाइए, लंच के बाद खाइए, डिनर के बाद खाइए, और ये रेगुलर बना के रखनी है प्रैक्टिस। ये नहीं है कि भी आपने 5 दिन खाया उसके बाद 3 दिन नहीं खाया। और ये लड्डू जो है ये आप पहले एक से शुरू करेंगे फिर आप दो पे जाएंगे, क्योंकि कईयों को एक भी लड्डू खाने से पचना बंद हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद खाना है, कभी भी खाने से पहले नहीं खाना। सपोज आपको लंच अपना 1:30 बजे खाना है तो अगर 12 बजे या 12:30 बजे आप ये चीजें खाएंगे तो आप खाना लंच में कम खाएंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा। एक आपने क्या करना है, शुरू में आपने 50 ग्राम मूंगफली रख लेनी है अपने पास, और 50 ग्राम मूंगफली को आपने पॉकेट में डाल लेना या अपने पास रख लेना है, और सारे दिन में थोड़ी थोड़ी करके खाते चले जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे जैसे आपको ये पचे, आपको लगे कि ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पेट में कोई गैस नहीं बनती है, 50 ग्राम मूंगफली आराम से पच जाती है, फिर आपको 70 ग्राम 90 ग्राम 100 ग्राम तक ले जाइए। तो 100 ग्राम इतनी लगभग मूंगफली होती है, ये आपको सारे दिन में खानी है, ऐसा नहीं है कि भी एक ही बार में खानी है। ये दो चीजें आप करेंगे तो उससे वेट कैसे बढ़ेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज ज्यादा जाएंगी। लगभग इतनी मिठाई है, 200 ग्राम मिठाई है, इसमें 1000 कैलोरीज होती हैं, और ये जो है ये 100 ग्राम इसके अंदर 600 कैलोरीज, मतलब 1600 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा जाएंगी। तो आपका महीने में कम से कम 2.5 से 3 किलो वेट आराम से बढ़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें, बीच में कई बार बीमार पड़ जाते हैं उसकी वजह से वजन कई बार कम भी आ जाता है, तो आपने घबराना नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराते रहिए। जब भी वेट बढ़ता है हमारी बॉडी में फैट भी बढ़ता है, तो कईयों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बंदा जो है वो दुबला पतला शुरू से ही होता है, और उम्र हो जाती है 40 साल 50 साल तो वो सोचता है मैं वेट बढ़ा लूं। अगर आपकी आयु 40 साल से ऊपर है तो कभी भी वेट इंक्रीज करने के बारे में, वेट बढ़ाने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि इस उम्र में जाके जब आप वेट इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज हो जाए या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। ये जितने भी मैंने तरीका बताया ये 40 साल से नीचे वालों के लिए है, 40 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो कोशिश करिए कि वजन बढ़ाने की ज्यादा कोशिश भी ना करें। मुझे अगर आपने संपर्क करना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कनाल प्लस के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।